Hello and welcome back to the channel. If you are new, I'm Sitesh Kamat and you're watching Fashion Siyapaa. अगर आपको आपके खुद की निकाली हुई सेल्फी पसंद नहीं है या आप किसी भी अपने फ्रेंड को बोलते हो फोटो निकालने के लिए और उसकी निकाली हुई फोटो आपको पसंद नहीं आती है, देन आप एक सही जगह पे आए हो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको एक अच्छा फोटो मिलेगा। एंड सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। सो हमने इस वीडियो में कुछ टिप्स को पॉइंट में डिवाइड किया। आई होप आपको ये सारे पॉइंट पसंद आए, आपको ये टिप्स पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस पर एक लाइक मारना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 पे जो कि है करेक्ट लाइटिंग। यस, आपको आपकी फोटो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है? डेफिनेटली लाइटिंग। अगर आपकी फ़ोटो में लाइटिंग गलत है तो आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आने वाली है। आपकी फ़ोटो अच्छी कब आएगी? जब उसमें एक ब्राइट और डार्क का कलर प्रोपोर्शन सही है। यस, इसके लिए आपको जब भी आप अपनी फ़ोटो निकालो तो आप उसको अपने मोबाइल को 360 डिग्रीज पे घुमा के देखो। जहाँ पे भी आपको अच्छी लाइटिंग मिले वहाँ पे दो तीन फ़ोटो क्लिक करके देखो। अगर वो आपको सही लगे तो वहीं पे फ़ोटो शूट को स्टार्ट करो। एंड ऑल्सो आपको आपके फ़ोटो में डिटेलिंग देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लाइट ही ऐसा एलिमेंट है जो आपके फ़ोटो में डिटेलिंग देगा। यस, सी आपको सेलिब्रिटी तो होने कि आपने किसी भी पोज में फ़ोटो निकाल लिया, किसी भी लाइट कंडीशन में फ़ोटो निकाल लिया, उस पर लैक्स एंड लैक्स ऑफ लाइक होंगे। नहीं, आपको आपके फ़ोटो में डिटेलिंग ही ऐसी चीज़ है जो उस पर लाइक लाएगी। आपको आपके व्यूवर्स को उस पर एक स्टोरी दिखाना है। फ़ोटो से उसे ये समझ में आना चाहिए कि ये बंदा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है एंड वो अचीव हो सकता है सिर्फ लाइटिंग की वजह से। आपके फ़ोटो में आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप पे फोकस है या नहीं, आपका कितना ज़्यादा फ्रेम है और उसमें लाइट कितना है। एंड इसलिए आपको करेक्ट लाइटिंग सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे, दैट इज़ नेवर टेक ओनली वन पिक। यस, आपने जब किसी भी बंदे को अपना फ़ोटो निकालने के लिए दिया होगा तो आपने ये देखा होगा कि वो बंदा आपकी एक या दो फोटो निकालता है मैक्स। लेकिन आपको ये ऐसा नहीं करना है। सी आपको कम से कम 10 से 12 फ़ोटो निकालने, अगर आप खुद की सेल्फी भी ले रहे हो तो आपको 10 से 12 फ़ोटो निकालने चाहिए कम से कम, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आप कौन से टाइम पे वो फ़ोटो क्लिक कर रहे हो एंड कौन से मोमेंट पे कुछ अलग सा कैप्चर हो जाए। आपने प्रोफेशनल फोटोग्राफर को देखा होगा तो वो हमेशा कंटिन्यूस मोड में फ़ोटो को शूट करता है। वो आपसे कहता है कि अपने फ्रेंड के पास देखो, नेचर को देखो, एक दूसरे से बात करो, क्योंकि हर सेकंड में आपका फेस के एक्सप्रेशन, आपकी कुछ हरकतें ऐसी चेंज होती रहती है। तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूस मोड में ऐसे चांसेस होते हैं कि आपकी कोई एक ऐसी पिक अच्छी आएगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसलिए कभी भी आप ये ट्राई करो कि आप एक से ज़्यादा फ़ोटो लो, या मैं बेटर वे आप 10 से 12 फ़ोटो के बीच में लो, या आप 10 फ़ोटो लो या 12 फ़ोटो लो, लेकिन आप एक फ़ोटो या दो फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं लेना है। सी मेरे केस में मैं हमेशा ये ध्यान देता हूँ कि मैं कम से कम 10 से 12 फ़ोटो लूँ। भले ही वो फ़ोटो सेम दिख रहे हो लेकिन उसमें कुछ एक ऐसा फ़ोटो आएगा जिसमें शायद कुछ अलग हो एंड वो फ़ोटो सबसे बेस्ट कहलाएगा। इसलिए आपको हमेशा 10 से 12 फ़ोटो लेने चाहिए। अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पे जो कि है करेक्ट लोकेशन। यस, सी क्या होता है कि हम अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमको हमारा फ़ोटो निकालना कहाँ पे चाहिए। अगर मेरी ओपिनियन की बात करो तो मैं यूजुअली इंस्टाग्राम पे सर्च करता हूँ उस लोकेशन के बारे में एंड मैं देखता हूँ कि कहाँ पे लोगों ने उस लोकेशन में फ़ोटो निकाला है, कौन सा लोकेशन अच्छा है, कौन से टाइमिंग पे वो फ़ोटो निकाला गया है, कौन से एंगल पे फ़ोटो निकाला गया है। उससे मुझे एक आइडिया मिलता है कि मुझे वहाँ पे फ़ोटो किस तरह से क्लिक करना है। अब सी किसी और के फ़ोटो को देख के उसके जैसा कॉपी करना, उसके स्टाइल को कॉपी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उसी फ़ोटो को देख के थोड़ा सा एडवांस सोचना है। आपको एक आइडिया मिल जाता है फ़ोटो को देख के कि हाँ, इस एंगल पे ये फोटो ऐसे आता है, इस एंगल से ऐसा आएगा, या इस व्यू में देखना चाहिए या इस साइड से देखना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो उसको आपको कॉपी नहीं करना है, आपको बस उसमें थोड़ा सा एडवांस सोच के उसी जगह पे फोटो निकाल के देखना है एंड आई एम डैम श्योर कि आपकी फोटो उस लोकेशन पे अच्छी आएगी। सी लोकेशन सिलेक्ट करना एज इन क्या होता है, आपको ये देखना है उस लोकेशन पे वहाँ पे कितने सारे टाइप के कलर्स है, बैकग्राउंड में क्या क्या है, किसी ट्री है, कोई वॉल है, उस वॉल पे कैसे कलर है, वो डल हो गया है, ब्राइट है, या बस लेटेस्ट अभी उस पे कंस्ट्रक्शन हुआ गया है। आपको ये चीज़ नोटिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप जब भी कोई नया लोकेशन ढूंढो आप वहाँ पे ये ज़रूर देखना कि वहाँ पे कलर वेरिएशन कितने, आपको आपके फ्रेम में कितना आना ज़रूरी है। अगर आपके फ्रेम के हिसाब से वो फोटो वहाँ सही आ रहा है तो आप उस लोकेशन पे शूट करके देखो। तो आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 पे, एंड दैट इज़ वॉशिंग फेस नॉट जस्ट बिफोर द शूट। सी अक्सर क्या होता है कि जब हमारी फेस को हम वॉश कर लेते हैं तो हमने अपने फेस को टॉवल ड्राई करने के बाद आप अपनी फेस के स्किन को तो ड्राई कर लेते, लेकिन आपके जो आईब्रोज होते हैं, आपके बियर्ड होते हैं, वो कंप्लीटली ड्राई नहीं होता है, उसमें वेटी लुक रह जाता है। इसके लिए जब भी आप फोटो को क्लिक करते हो तो उसकी डिटेलिंग में वहाँ पे वो वेट लुक आएगा जो ये इंडिकेट करेगा कि आप बस
अभी रो के आए हो और उठ के बस वैसे आपने फोटो निकाल लिया है, तो आपको ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद शूट करो अपने फेस को वॉश करने के बाद। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाओ शूट के पहले, कोई भी क्रीम को मत लगाओ। मॉइस्चराइजर आपके फेस पे एक शाइनी इफेक्ट देगा जो कि एडिटिंग के बिना भी अचीव किया जा सकता है। तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो होते हैं यूजुअली वो मेकअप लगा के आपके फेस पे शाइनी इफेक्ट लगाते हैं, लेकिन अगर आप मॉइस्चराइजर लगाओ देन आई एम डैम श्योर कि एक ब्लरी इफेक्ट आपके फेस पे आएगा जो आपके फेस को एक ग्लॉसी इफेक्ट देगा। एंड वो एडिटिंग के बिना अचीव करना इज बेस्ट पार्ट। तो मेरे हिसाब से आपको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए रादर देन यूजिंग क्रीम। अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 पे जो कि है टाइम सिलेक्शन फॉर शूट। सी अक्सर हम क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सनलाइट में या कम सनलाइट में फोटो निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से आपके फोटो में जो डिटेलिंग है वो चली जाती है। लेकिन आपको आपके लोकेशन के हिसाब से आपकी टाइमिंग को सेट करना चाहिए, उसको सिलेक्ट करना चाहिए। आप कोई भी लोकेशन पे जाओ, हो सकता है कि सुबह वो लोकेशन अच्छा दिखता हो, वहीं पे वो शाम को अच्छा नहीं दिखेगा, हो सकता है दोपहर में वो अच्छा दिखता हो बाकी टाइम पे नहीं दिखता हो। इसलिए आपको वहाँ उस लोकेशन पे टाइम सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हिसाब से आपको 10 बजे के पहले शूट करना चाहिए और दोपहर को 3 बजे के बाद शूट करना चाहिए, या बेटर वे आप 4 बजे के बाद शूट करो। सुबह जब आप शूट करोगे तो वहाँ पे गोल्डन आवर्स होता है एंड जो आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है एंड आपके कपड़ों पे भी अच्छा इफेक्ट आता है उसके। एंड वही बात करें सनसेट की, तो शाम को 4 बजे के बाद जब आप देखोगे तो धीरे धीरे सनसेट होते रहेगा, 6 बजे तक कंप्लीट सनसेट हो जाता है। तो 4 से 6 के बीच का जो सेगमेंट होता है वहां पे ऑरेंज कलर का इफेक्ट आता है सन से, एंड वो आपके फेस पे आए, आपके क्लोज पे आए, आपके फोटो को एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। इसलिए आपको आपका टाइम सिलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर लोकेशन के हिसाब से टाइम वेरी करेगा, ये नहीं कि आप सुबह निकालो या शाम को निकालो जैसे मैंने आपको बताया, नहीं। एक दिन पहले वहां पे जाके ऑब्जर्व करो कि उस जगह पे कौन से टाइम पे लाइट अच्छी दिखती है, थोड़ा सुबह जाके देखो, फिर दोपहर में जाके देखो, फिर शाम को देखो, आपको उस जगह पे जो टाइम सही लगे वहाँ पे शूट करके देखो। 4-5 फोटो शूट करने के बाद आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि वहाँ पे कौन से टाइमिंग पे फोटो अच्छा दिखेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी सी भी मदद की, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। आपका लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स ये वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो इसको आप डिसलाइक भी करो, इससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, जिस चीज़ को मुझे सुधारने का मौका मिलेगा। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो दिखाओ। एंड ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन। बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में सून।